आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप मैं हूँ शनानी और हर हफ्ते एक लल्लन टॉप अड्डा होता है इस अड्डे में कुछ लल्लन टॉप लोग होते हैं जो दो लोग मेरे साथ हैं वो आने वाले कुछ दिनों में मतलब बस धमाका करने ही वाले अच्छा जो लीड एक्टर हैं वो एक न्यूज़ रिपोर्टर का किरदार निभा रहे हैं और मेरा वर्जन ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्टर अगर उनका इंट्रोडक्शन करता तो वो कुछ ऐसा होता कि नमस्ते दोस्तों जहाँ दिख जाए अच्छी स्क्रिप्ट वहाँ डालना चाहते हैं डाका सड़क पर रुककर कर चाउमीन भी खा ले तो कर देते हैं धमाका कार्तिक आर्यन बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सुपर सुपर थैंक यू हमारे साथ है राम जी मतलब मैं मुझे बड़ा religious feel हो जाता है बट राम माधवानी जिनका काम हम सबको पता है बेहतरीन चाहे वो नीजा हो चाहे आर्या में आपने ये सुनाओ कि एमी नॉमिनेशन है या फिर अब धमाका ट्रेलर भर से मतलब मैं ट्रेलर के कॉमेंट्स पढ़ रही थी बहुत कमाल थे अमेजिंग बट

धमाका की शूटिंग आपने दस दिन में कंप्लीट कर ली पहले भी आप ऐसा कर चुके हैं तो जी मैंने तीस साल से पिक्चर नहीं बनाई तो अभी मैंने सोचा अभी मैं बहुत फास्ट काम करूंगा okay. लेकिन दैट्स नॉट व्हाट वी वांट टू बी नोन एज हम दस दिन लगाए या सौ दिन लगाए मैटर एज लॉन्ग एज द फिल्म वर्क्स दैट्स व्हाट मैटर्स आई डोंट थिंक पीपल केयर के वेदर इट्स बीन शॉर्ट इन टेन डेज और दैट्स जस्ट अस इन द इंडस्ट्री बट इट वॉज दैट काइंड ऑफ फिल्म एंड वी वर्क रेगुलर आवर्स एंड दैट्स हाउ लॉन्ग इट आई ट एनी बडी एल्सो डन इट इन दैट टाइम

मुझे शूटिंग्स एक्चुअली अच्छे नहीं लगते आई प्रेफर एडिटिंग आई प्रेफर स्क्रिप्ट राइटिंग बिकॉज शूटिंग में कुछ भी रॉन्ग हो सकता है और प्लस वी शॉर्ट कोविड टाइम में हमने शूट किया तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द टीम वॉज सेफ तो जितना भी जल्दी विदाउट कॉम्प्रोमाइज बट विथ विथ प्लानिंग विद माई टीम डज माई को प्रोड्यूसर अमिता मधवानी माई ई पी सी आ रिया दे द होल टीम दे देयर टू मेक श्योर थ्री हंड्रेड पीपल आर देयर टू मेक द सेम फिल्म एंड टू मेक श्योर दैट वी डू इट ऑन टाइम एंड द गुड थिंग अबाउट हमने कोविड टाइम में शूट किया जो लोग आए वी ऑर स्केड वो, वो लोग नेगेटिव uh, uh, टेस्ट करके आए जो घर भी गए वो निगेटिव टेस्ट करके गए थे सो वे जस्ट हैप्पी देट वी वर एबल टू डू इट सेफली मोर देन स्पीडिली राइट और कोविड में अगर आपको लगता है सारा काम आपने ही जूम पर किया है पूरी पिक्चर बनाने का फैसला जूम पर ले लिया है ये मैंने सुना अच्छा uh,

के फॉर कार्तिक के फॉर कुर्पर के yeah. पॉप सो <laughs> so, uh, मैं ऑफकोर्स बी टी ये सब चीज़ों इनको फॉलो करता हूँ काफ़ी एंड uh, अभी स्क्विड गेम्स भी आया mm. ये भी काफ़ी चला बट इट doesn't रियली uh, really, uh, मुझे ये फिल्म ऑलरेडी आई मीन मैं इसको कैसे पुट करूँ हम लोग राम सर और मैं बहुत uh, collaborate करने की कोशिश कर रहे थे इससे पहले भी कि कोई प्रोजेक्ट पे uh, uh, हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी दो साल से मिल रहे थे कुछ okay. ना कुछ चीज़ें कि कोई आइडिया ये आइडिया वो आइडिया एंड देन ये फिल्म आई थिंक इन द मिडल ऑफ दैट डिस्कशन ओनली ये फिल्म सडनली आई एंड ऐसा लगा कि देन देन आई आज हिम ऑल्सो कि आपको क्या लगता है एंड देन ही सेड कि ये भी हाँ ये दिस लुक्स लाइक अ गुड फिल्म एंड ऑल्सो इन द मिडल ऑफ द पैनडमिक वैन 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 वी वॉन्टेड फिल्म जहाँ पे मिनिमल uh logo interaction ho shayad yeah. minimum logo ka ki zarurat bhi ho smartly planned film uh, and and i think this was it and it became uh dhamaka and yeah so that was it but and i think there are constant conversations with actors ott platforms it's, the whole industry is actually full of conversations you're constantly saying how about this how about that and this just happened that the universe blessed us and this was one of the films that actually did happen so

एक न्यूज रिपोर्टर का किरदार निभा रहे हैं जब मैं पूछती हूं एज अ सिटीजन आपसे अपार्ट फ्रॉम द मूवी तो क्या मानना है आप दोनों का ही uh, कि हमारा मीडिया या फिर जर्नलिज्म कैसा हो वेल वी आर इन नो पोजिशन टू ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर वॉट जर्नलिस्ट गो थ्रू वी ऑलवेज से दैट द वर्क लाइफ बैलेंस डू इट Uh, because for filmmakers there is a work-life balance where we can sometimes choose to go for a holiday, etc. But y'all are on your feet, y'all are on your toes. There are things being thrown at y'all. We at least, you know, can decide, but y'all have no choice. So I think first, even you know, when I see uh, photographers outside, you know, preview theaters, etc., it's a very, very difficult job. So our respect for that profession is huge. We are also.

and uh, he loses his value system in trying to do not just his value system he loses everything hmm. <laughs> and that's the tragedy of what this film is about and that's really what we made it's i don't think that we are in any position uh, we are all part of the same vatavaran that everybody is hmm. <laughs> आपने काफी बार कहा है दैट बाजीगर देखकर आप बड़े हुए हैं एंटी हीरो करने का आपका बड़ा मन रहा है तो so, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सपना पूरा हुआ Um, कुछ हद हाँ तक मतलब मुझे ऐसा मैंने उससे कोई कोरिलेट नहीं किया था बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बस uh, uh, ये फिल्म जिस तरीके से एक कई बार ये कैरेक्टर का मॉरल कंपस जितना हिलता oh. है या वो उसके जो ग्रे शेड्स हैं उससे मैं बहुत uh, Uh, मुझे वो प्ले करने का एक एक्साइटमेंट बहुत था कि ये एकदम इनोसेंट सा कैरेक्टर नहीं है स्वीट कैरेक्टर नहीं है कि एकदम हर चीज़ पॉजिटिव करता है uh, ये क्वेश्चनिंग भी एक नेगेटिव वे में डालता है और दिमाग में आपको चार सवाल देके चला जाता है बट ही डजेंट मतलब कई बार uh, कई क्वेश्चंस में मेरे को ये पूछा भी गया है कि वॉन्ट यू थिंकिंग ये रिस्क है ऐसा प्ले mm -hmm. करना बिकॉज यू ऑलवेज प्ले लव इ रोमांटिक या कॉमिकल कैरेक्टर्स सो फॉर मी इट वाज ऑल द मोर एक्साइटिंग टू प्ले समथिंग लाइक दिस इट वाज रियली डिफरेंट एंड एंड आई वॉज जस्ट आई वॉज टू हैप्पी ऑन द सेट टू डू दिस टू परफॉर्म आई एक्साइटेड मोर देन हैप्पी आई वॉज जस्ट एक्साइटेड टू जस्ट परफॉर्म दो सीन्स बिकॉज आई वॉज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू यू नो टिकल मोमेंट्सिंगसर मी टू पर एक आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जब दर्शक uh, जाकर नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म देखेंगे तो कौन सा वो सीन है जो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट था आप उन्हें बताना चाहेंगे कि ये सीन है जो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था एंड दिस इज द बेस्ट आई डिड ऐसे काफ़ी सीन्स हैं अगर आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारे सीन्स हैं लेकिन मैं इस इंटरव्यू के लिए बस पिन पॉइंट अगर करना चाहूँगा तो क्योंकि वो भी एक यूनिक वे है आ, मेरे लिए एक एंडिंग सीक्वेंस में एंड पोर्शन में आ, आ, अभी मैं ये स्पॉइलर है थोड़ा सा लेकिन एक बहुत विदाउट सेइंग मच काफ़ी कुछ कह जाता हूँ या अर्जुन पाठक विदाउट स्पून फीडिंग या कुछ किए बगैर ही ही डज अ लॉट एंड सेज अ लॉट सॉरी सो आई थिंक दैट इज समथिंग आई आई थिंक वो काफ़ी बेसिकली uh, आप बोल रहे पिक्चर एंड तक देखिए करेक्ट करेक्ट एंड तक देखिए तो वो आपको पता चलेगा मैं कौन से सीन के बाद कर exactly. रहा हूँ जिसमें बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह दिया अर्जुन पाठक ने सो so, वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है एक एक्टर के लिए वो चीज़ करना तो so, वो uh,

दिस इज द रिसेंट बॉलीवुड कपल अभी सब आपके लिए ओ कर रहे हैं द वे यू रियली अप्रिशिएट ईच अदीट थैंक यू थैंक यू सोच डोट फाइंड लाइक अट फॉर्म ऑफ द टू नेम्स टूगेदर हैश टैग बनाइए दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में कर